Hello students, welcome to my YouTube channel Kava Coaching Classes. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। आज मैं आपको रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। रियल नंबर्स से भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसके अंदर एक और टर्म है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब आपको नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग को हम रैकरिंग भी बोलते हैं। इन 9th क्लास में आपने रिपीटिंग और रैकरिंग सेम है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं वो भी सुन लीजिए, उनके एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे 0.7070700000... means आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर जीरो जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इट मींस ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि 0 पहले 70, फिर 7 के बाद 2 जीरोस, फिर 7 के बाद 3 जीरोस, फिर 7 के बाद 4 ... मींस नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर। और भी नंबर इरेशनल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अगर वो रूट के अंदर ऐसे नंबर जो रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने आप के टेबल में आते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं और ये रैशनल। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स का, तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं और जो भी इरेशनल नंबर होते हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका रियल नंबर का एक छोटा सा इंट्रो है, इसके आगे भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। हम लोग डिवाइड करते हुए आए हैं, 5th क्लास से डिवीजन करते हुए आए हैं, और हमें ये भी मालूम है डिवाइड करने के बाद चेक भी किया जाता है। अब आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 4, 37, 9, 36, 1, अगर मुझे चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे? चेक होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, इसको और क्लियर कर लेते हैं, इसको इरेज करके इधर कर लेते हैं। 4, 37, 9, 36, 1 प्लस रिमाइंडर। अंडरस्टूड? अब क्या है स्टूडेंट्स कि आपको बता देता हूं डिविडेंड क्या है। डिविडेंड इज 37। यहां पर हम, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिविडेंड को हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से, और डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और रिमाइंडर को डिनोट करते हैं आर से। तो इस तरीके से हमारा चेक का फॉर्मूला बन जाता है
ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, और आप इस चीज में क्या सीखते हुए आए हैं कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है, कभी भी नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं आता है, तो रिमाइंडर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होती है। सपोज ये एग्जांपल मैंने लिया है समझाने के लिए, यहाँ पे 37 है तो 4 9 36 वन रिमाइंडर, अगर यहाँ पे 38 होता तो 4 9 36 लेकिन रिमाइंडर 2 आ जाता, अगर 39 होता तो 4 9 36 रिमाइंडर 3, अगर 40 होता तो, अगर हमारा डिविडेंड 40 होता तो 4 10 40 रिमाइंडर 0। तो आपने क्या जज किया इस चीजों में, इससे आपने क्या समझा कि जो रिमाइंडर है पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर की वो क्या होगी, जीरो या जीरो से, रिमाइंडर जो है जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्या वो किसी से छोटा भी होगा, क्या रिमाइंडर किसी से छोटा भी होगा, बिल्कुल डिवाइजर से छोटा होगा। कभी भी आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, सपोज आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा। तो इट मीन्स दैट आपकी रिमाइंडर की वैल्यू लेस देन होगी बी से, डिवाइजर से। तो हम इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, देखिए रिमाइंडर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, जो हमारा रिमाइंडर है वो ग्रेटर होगा और इक्वल भी, किससे, जीरो से, रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा है, ये साइन जो है शो कर रहा है ग्रेटर का और ये इक्वल टू का, तो रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, बी से, बी इज वॉट डिवाइजर, जिससे हमें डिवाइड करना है। और सुनिए, एक होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन भी कभी भी, क्वेश्चन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा जीरो, क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है। क्यू इज फॉर सम इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे सुनूंगा। आगे सुनिए स्टूडेंट्स, अभी इस चैप्टर के अंदर एक चीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको इसके बारे में बता देता हूं। यूक्लिड डिवीजन, डिवीजन वर्ड से पता चल रहा है डिवाइड करना है, और लेमा, ये लेमा क्या है, कुछ भी नहीं, अभी अभी हमने जस्ट किया है, अब आपको बता देता हूं, समझ में आ जाएगा इजीली। जो चेक का फॉर्मूला होता है उसी को लेमा बोला जाता है, इट मींस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म के अंदर लिखना, इसी फॉर्म के अंदर लिखना यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। अगर उसने बोला है कि अगर सपोज उसने बोला है यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है और एक होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड वही करना है जो इसमें किया जाता है, सेम एज इट इज है, सिर्फ एल्गोरिथम में ये है कि इसके जो है स्टेप्स बढ़ जाते हैं, स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं स्टेप्स। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड
HCF कैसे करते हैं, थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, क्योंकि यह फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है ये जो हम कर रहे हैं 867 and 255। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एल्गोरिथम में लिखना है, तो डिवाइड करेंगे ऐसे, नॉर्मल डिवाइड करना तो आता ही है आपको, कर लीजिए फटाफट। अगेन जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको बाहर की तरफ डिवाइजर बनाइए और जो डिवाइजर है उसे डिविडेंड, डिविडेंड अंदर की तरफ होता है। जब तक, अब आप सवाल ये है कब तक करते जाना है, जब तक कि आपका क्या, जब तक कि हमारा रिमाइंडर, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अगेन फ्रेंड्स, अगेन स्टूडेंट्स, अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू, आज ही पेन को, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है इस केस में 867, बी क्या है 255, क्वेश्चन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 102। अगेन आगे स्टेप देखिए, ए क्या है 255, बी क्या है 102, क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर इज 51। एक और स्टेप, 102 इक्वल टू, जब तक लिखना है जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, हार्डली 3 या 4 या मैक्सिमम 5 स्टेप तक आ ही जाता है। तो हेयर HCF भी फाइंड करना है, बहुत सिंपल है HCF, जो लास्ट में जिससे रिमाइंडर जीरो आया है, जिससे हमने डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, किससे डिवाइड किया है 51 से, तो वही क्या है हमारा HCF। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आज इंट्रो पढ़ा है और फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज एंड शेयर ऑल्सो।